आज हम लोग आए हैं सरना भवन सालमिया में और हैप्पी ओनम सब हमारे दर्शकों को हैप्पी ओनम। और मैं विकास, मैं हूँ दिव्या और हम हैं बेफिक्रे। और आज हम ओनम संध्या में आए हैं सरना भवन और यहाँ पर जो स्पेशल ओनम संध्या की थाली खाने, सो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ओनम संध्या की थाली कैसी है। यस, यहाँ तो फुल ही रहता है बिकॉज ओनम संध्या के टाइम पे बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने 7:30 पहले बुक करा रखा था कि आज के लिए। सो डेफिनेटली मैं आ चुका हूँ और टेस्ट करता हूँ। मैं आई थिंक दिस थर्ड और फोर्थ टाइम पे ये ओनम संध्या की थाली ट्राई करने वाला हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है और होप करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी इस वीडियो में। इनके लिए देखिए, इन्होंने फ्रेश हमें बनाना लीव दिया है, तो केले के पत्ते पे आज खाना पूरा सर्व किया जाएगा और मैं खाने वाला हूँ। बिल्कुल इंडिया वाला जो मुझे याद आ गया, क्योंकि जब हम इंडिया में अपने दिल्ली में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते थे तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ पर केले के पत्ते पे खाना सर्व किया जाता था। और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में भी कर सकता हूँ, केरला में भी करा हूँ, तमिलनाडु में भी गया हूँ, तो वहाँ पे तो कई रेस्टोरेंट्स में हमें रोज़ मॉर्निंग एंड डिनर जो करता था केले के पत्ते पे करता था, तो आज वही फ्लेवर आने वाला है। ऐसा आ गया है दिव्या जी का, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज द वाओ। तो धीरे धीरे जिंजर, वाओ। तो ये तीन तरीके के पिकल आ रहे हैं और ये दिस इज सॉल्ट। सो ये तीन चीज़ें आ चुकी है। तो इस थाली में बहुत चीज़ें होने वाली है भैया लोग। और ये देखिए दिव्या जी, और शी इज ईटिंग हिज बटर प्लेन मसाला, नो नॉट मसाला डोसा, प्लेन घी डोसा। तो इसके अंदर मिली है हमें वाइट चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी और साथ में थोड़ा सांभर। तो इससे दिव्या जी खाती है, इन्हें बहुत पसंद है ये हमेशा, और मैं ये अपना खाऊंगा अपनी थाली। स्वीट्स, ओहो, सो ऑल दीज थिंग्स आर स्वीट्स। बीट रूट, सो बूंदी, पाइन एप्पल एंड दिस इज बीट। सो ये अब आ चुकी है हमारे पास तीन स्वीट्स और ये तीन अचार आ चुके हैं। ये है खिचड़ी, दिस इज़ कॉल्ड खिचड़ी। काफ़ी भरा हुआ रेस्टोरेंट है, आप देख ही सकते हैं चारों तरफ। आज के दिन में तो वैसे ही बहुत ही जैम पैक रहता है। इवन इन्होंने अपना बैंकेट हॉल भी खोल रखा है, वो भी बुरा फील है बिकॉज आज सब लोग यही खाना आ रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जिस तरह की से थाली में सामान आएगा, पूरी थाली पूरी सज जाए, उसके बाद फिर मैं खा के आपको बताऊँगा कैसा टेस्ट है। और आप देख सकते हैं दिव्या जी तो लगी पड़ी है बिकॉज हम लोगों को भूख बहुत तेज़ लग रही है। आज हम लोग बहुत बिजी थे तो हम लोग दिन में लंच करा नहीं हम लोगों ने, और अब सीधे डायरेक्ट आए हैं। अराउंड 8 o'clock हो रहा है और बड़ी तगड़ी भूख लग रही है, तो एक बार सब सेटअप हो जाए तो फिर खाते हैं और मज़े करते हैं। नाउ वी गेट दिस इज स्मॉल बनाना, क्यूट बनाना, ठीक है। और साथ में है ये नमकीन चिप्स और यह है मीठा बनाने के चिप्स। तो ये तीन चीज़ें आइटम हैं। और आप ये देखेंगे कि हर एक जो चीज़ आ रही है तीन जोड़े की आ रही है, इसका भी एक महत्व है। जो भी चीज़ आने वाली है वो तीन के जोड़े में ही आएगी, जैसे ये तीन मीठे, तीन केले के सामान और तीन अचार। तो इस तरीके से देखते हैं और क्या तीन की चीज़ें आती है जोड़े में। सो वी गेट अनदर डे और ये तीन सब्जी आ चुकी है। तो धीरे धीरे देखिए प्लेट भरना शुरू हो चुकी है, बट अभी और भी जगह खाली है, ये जगह को भी कैप्चर कराया जाता है। एंड दिस इज भिंडी की सब्जी। एंड ये क्या है भाई, किसकी सब्जी? कैबेज। ओके, दिस इज कैबेज, दिस इज भिंडी एंड ये राइस, पुट सम राइस। सो दिस इज राइस। और अब धीरे धीरे सारा सामान आने लगा है तो खाने में मज़ा आने वाला है। और ये क्या है भाई, दाल? डालो। अब ये आ गई है दाल। ओए होए, चावल के ऊपर दाल डालते हुए तो कितना अच्छा लग रही है, बढ़िया। और क्या क्या है आपके पास? और ये है देसी घी, वाह मज़ा आ जाएगा, पूरा डाल दो। हाँ, आज तो दबा के देसी घी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। सो क्या आपको लगता है कि प्लेट अभी पूरी सज चुकी है या फिर कुछ और चीज़ बाकी है? देखने वाला है। देखिए रायता भी आ गया। तो ये थाली ऐसी कि आपको जैसे लगता है ये ख़त्म होने वाला है पर ये ख़त्म नहीं होती। सो वेरी लेविश एंड वेरी ट्रेडिशनल थाली। हाँ, शुरू करते हैं, थाली पूरी तैयार है। सो लेट्स
स्टार्ट दिस। वाओ मजा आने वाला है, देखिए वाओ जी। खाली देख के सामने वालों को भी मुंह में पानी आने लगा है और उन्होंने ऑर्डर की है अपनी अपनी थाली। तो अब दिव्या जी की भी थाली लग रही है और मेरी थाली के साथ फटाफट उनकी थाली लगा देंगे और फिर दोनों मिलके थाली थाली खेलेंगे। थाली लगने लगी है वाओ, क्योंकि थाली इतनी टेम्पटिंग है कि रहा ही नहीं जाता थाली की। और मैं अपनी शेयर थाली शेयर करना नहीं चाहता था, इसीलिए हमने दोनों थाली ऑर्डर की। और काफ़ी चीज़ें आ रही है, फटाफट फटाफट थाली में सामान भरते जा रहे हैं, तो थाली खाने की तैयारी हो रही है भाई। हाथ से खाना चाहिए जैसे मैं खा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी खाना है यार, मज़ा आ गया। जब मैंने राइस और दाल और साथ में भाई अचार मिलाया है तो क्या स्वाद आया है भाई, ये देखिए क्या स्वाद आया, ये देखिए। ऐसे खाइए मज़ा आएगा। और दिव्या वेट कर रही है अपने राइस का, जैसे इसका राइस आता है शेयर स्टार्ट। राइस रिफ़िल करा सकते हैं, तो मैंने राइस दोबारा से रिफ़िल कराया, दाल ली, घी दोबारा से लिया है। मज़ा आने वाला है भाई, आज तो ज़बरदस्त पार्टी होने वाली है, पार्टी। तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है बजदार, और दिव्या जी अभी भी चल रही है, बहुत टेस्टी खाना है, तो दिव्या जी से रुका नहीं जा रहा, शी इज़ ऑन गोइंग गोइंग। और अभी भी देखिए ये अभी स्वीट्स आई है, पायसम आया है, तो हमने ज़्यादा नहीं लिया, हमने बोला भाई एक एक छोड़ दे, अभी जगह नहीं बची है, तो थोड़ा खाते पीते। पर खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। एंड द थाली कॉस्ट अस 3 KD विच इज़ वेरी गुड प्राइस एंड वेरी इकोनॉमिकल। इतना सब खाना 3 KD में मिल रहा है, 3 KD में, ठीक है। आ चुके हैं बाहर, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, बहुत सारी वेराइटी थी और बहुत मज़ा आया। अब हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप करते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक बार फिर से हैप्पी ओनम। और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चले, आज तो हम लोग बहुत ही थक चुके थे, तो हमें लगा कि आज कुछ खाना घर पे नहीं बनाते हैं, आज ओनम है तो यहीं पर आज ओनम स्पेशल थाली खाते हैं। फर्स्ट आई हैड माय ओन स्पेशल प्लेन डोसा, बहुत ही टेस्टी था, क्रिस्पी था। फिर किससे मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि मैंने सुबह से आज लंच भी नहीं किया था, बहुत ऑफिस में बहुत हैक्टिक था। तो उसके बाद देन आई हैड दिस थाली, अमेजिंग। और मेरा भी कुछ ऐसी हाल था, लंच भी नहीं कर पाया था, तो इसलिए हमने सोचा कि थाली खाते हैं और फिर पूरे दिन की प्यास और भूख मिटाते हैं। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।